नमस्कार दर्शकों, शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर पड़ रही है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इस शरद पूर्णिमा को आप छोटा सा एक उपाय करेंगे जिससे आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। आकाश के नीचे आपको एक छोटा सा उपाय करना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक अर्पित करें, साथ ही 7 बार लाल रंग की मौली लपेटें तुलसी की टहनी में, और ऐसा करने से माता लक्ष्मी के घर में आगमन होता है और आपको संपन्नता प्राप्त होती है। घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। आपको स्नान करने के पश्चात शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप स्नान कर लें, उसके बाद विधिवत पूजन करें और आपको हल्दी का एक छोटा सा उपाय करना है और तुलसी का उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे या पीतल के कलश में जल ले लेना है। जल में एक चुटकी हल्दी चाहिए। हल्दी आप पूजा वाली हल्दी इस्तेमाल करें या फिर आपके घर में खुद हाथ से पीसी हुई हल्दी होती है उसे इस्तेमाल करें। आपको एक चुटकी हल्दी उस जल में डाल देनी है और तुलसी के 7 पत्ते डंडी वाले तोड़ करके उस जल में डाल देने हैं। अब आपको उस जल को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। करीब 10-15 मिनट आप उस चंद्रमा की रोशनी में रखें और यह उपाय आपको ठीक रात्रि के 12 बजे करना है। रात्रि के 12 बजे चंद्रमा की किरणें उस जल में पड़नी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और रखने के बाद आप वहीं बैठे रहें, चंद्रमा से अपनी प्रार्थना करें, आपकी मनवांछित इच्छाएं बोलें, चंद्रमा की धूप दीप दिखा करके पूजन करें। आप जैसे विधिवत करते हैं हर बार उस तरीके से आप पूजन करें। बस इस जल के लोटे को आप वहाँ पर रखें और फिर उस जल के लोटे को 10-15 मिनट हो जाने के बाद में उठा करके अपने घर में लाएं, माता के चरणों में रखें उस जल को। फिर सुबह उस जल को वहीं रखे रहने दें रात्रि भर। सुबह उठकर आप उस जल को पूरे घर में छिड़कें और बचा हुआ जल अपने तुलसी के गमले में या फिर किसी साफ़ सुथरी जगह देखकर किसी बड़े पेड़ के नीचे डाल दें, साफ मिट्टी में डालें और फिर आप अपने घर लौटाएं। घर में कर रहे हैं तो आप किसी गमले में डाल दें। ऐसा करते ही आपके घर में सारी नेगेटिविटी घर से बाहर निकल जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहेगा। लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी और आपके घर में धन धान की कभी कोई कमी नहीं रहने देगी। हल्दी आपके घर में निरोगी काया रखेगी। हर सदस्य में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग घेरे रहता है, लेकिन यह उपाय करने से आपको निरोगी काया मिलेगी। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। और भी कई उपाय हमने बताए हैं, उन उपायों को भी अवश्य देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक दीजिएगा, कमेंट द्वारा बताइएगा आप ये उपाय। और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।